वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश, वो कलर्स, वो रंग जो आप दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिसमें वो विशालकाय साइकिल है, वो रंग बिरंगे अंदाज में जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वीरेश, सुबह 11 बजे का वक्त था, थोड़ी देर तो समझ में आती है, लेकिन 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 2 घंटे से ज्यादा ये डिलेट चल रहा है, वजह इसकी क्या है? देखिए, वजह क्या है आपने पूछा, तो वजह की वजह मैं ये दिखाऊं कि ये जब कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहते हैं तो आप जो स्टूडियो से पूछते हैं केवल भाव से समझा जा सकता है, क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये इतना ज़्यादा आपके आगे पीछे रहते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन तस्वीरों को दिखाना चाहूँगा, यही यही खूबसूरती है। चढ़ जाइए मेरे ऊपर, बताइए जी, बेचैन है, बताइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार जो है बनने जा रही है, आपने तय कर दिया है? नहीं, पूरे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ये कैसे तय हो गया? जे देखने रहे, जे आवाम, ये जनता, ये सब अखिलेश भैया चिल्ला रही है। गोरखपुर में योगी जी क्या भी बहुत कुछ नहीं, बहुत देख रहे, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर, किसान है कि व्यापारी? मैं किसान भी हूँ, व्यापारी भी हूँ, वो समाजवादी पार्टी के सच्चे सफाई कार्यकर्ता हूँ। साइकिल पे चढ़ेंगे वो जो दिख रही है, वो लंबी वाली साइकिल? हाँ, चल पाएंगे? साइकिल बसी है, जल के अंदर साइकिल बसी, अखिलेश यादव बसे हैं, मान्य उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। कि आपने जो अपना फिजिक बनाया हुआ है, दिखाओ भाई इनको, साहब को, और उस पर चढ़ के दिखाइए जरा, आइए इनको, इनके साथ चलिए, देखिए ये जो ये नया नया, चलिए चलिए, साइकिल दिल के अंदर चल रही है। आओ यार, वो बड़ी साइकिल, साइकिल के अंदर चल रही, दिल के अंदर चल रही, आओ दिखाओ भाई, कितनी कार्यकर्ता चढ़ जाते हैं। अब वीरेश, देखिए इनकी साइकिल पर चढ़ रहे हैं, देखिए कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप मास्क आप जरूर लगा के रखिए, वहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तो मास्क नहीं लगाया, लेकिन आप मास्क जरूर लगा के रखिए। जी जी, आइए आइए, क्रांतिकारी लोग हैं, चलिए देखिए ये चढ़ रहे हैं, चढ़ जाए, देखिए ये चढ़ रहे हैं भाई, देखिए तो इनकी कद काठी देखिए और इनके चढ़ने का तरीका देख, चढ़िए यार, साइकिल टूट जाएगी, कह रहे हैं कि इतने भारी है कि साइकिल टूट जाएगी। अरे उधर से चढ़ के दिखा दो यार, बहुत उत्साह में थे, तुम्हारा उत्साह सभी लोग देखना चाहते हैं, कार्यकर्ता जो जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं समाजवादी पार्टी के, देखिए ये क्या, ये है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और ये साइकिल देखिए राजेंद्र, आपने देखा नहीं होगी, इसकी तीली देखिए, और इस पर चढ़े हुए कार्यकर्ता है, क्योंकि इस पर चढ़कर वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना चाहते हैं, और इनका बस चले तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाए है, और ये देखिए साहब इनकी इनकी मोटाई और इनका वजन, लेकिन अब इनके अब ये चढ़ के मानेंगे, और यहाँ जो प्रांगण में पेड़ लगे हुए हैं इस पर भी चढ़ जाएंगे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आने दीजिए, यही तो खासियत है, यही उत्साह है, यही उमंग है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, अखिलेश यादव के साथ जो बैठक चंद्रशेखर की चल रही है वो महज 5 मिनट में खत्म होने वाली है, सोर्सेस से मेरे पास खबर आई है, एक बड़े समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि बातें अब सतह पर आ गई है, किसी भी वक्त अखिलेश यादव आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का घर इस प्रांगण से जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं महज 300 मीटर पे है, इसलिए आने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता नेता हैं जो आपको बताऊं कि रास्ते पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो गाड़ियों का हुजूम और गाड़ियों के साथ साथ लोगों का हुजूम समाजवादी पार्टी के इस विक्रमादित्य मार्ग जिसको कहा जाता है, और लोग कहते हैं कि ये यादव मार्ग है, कोई कहता है सैफई मार्ग है, कोई कहता है मुलायम सिंह यादव मार्ग है, कोई कहता है समाजवादी पार्टी मार्ग है, यहाँ केवल आपको समाजवादी पार्टी के पोस्टर बैनर, कार्यकर्ता नेता और उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्च्यूनर और इंडेवर और पता नहीं मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। यूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास भी मर्सिडीज है 5000 नंबर की, उनके पास इनोवा भी है 5000 नंबर की, बिल्कुल, उनके बिल्कुल, पास फॉर्च्यूनर भी है 5000 गाड़ियां, गाड़ियों के बेहद शौकीन माने जाते हैं, जो तमाम गाड़ियां हैं वीरेश, वो आपने हमारे दर्शकों को बहुत तफसील से बहुत डिटेल में सब दिखाया हुआ है, और वो सब कुछ हमारे दर्शकों को याद भी आ गया होगा वीरेश आपके इन शब्दों के बाद। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ ही मिनट का समय रह गया है, अखिलेश यादव मंच पर पहुंच जाएंगे, उनकी बातचीत लगभग कंक्लूड हो गई है चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो वो हम आपको सीधा दिखाने वाले हैं।